मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट 21.3 किलोमीटर का ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होने वाला है। ये साउथ बॉम्बे को नवी मुंबई से जोड़ देगा और आगे ये नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी इसको डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाएगा और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मेरे चैनल पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शिवडी का जो सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो जुड़े रहे चैनल के साथ में और वीडियो को पूरा देखें। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं आप लोगों के लिए MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड प्रोजेक्ट जो कि शुरू होने वाला है शिवडी इलाके से। ये जो सामने में आप देख रहे हो राइट साइड में, यह है शिवडी का एरिया, शिवडी स्टेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे काम जो है वो ज़ोरों शोरों से शुरू है। और ये जो आप ऊपर में देख रहे हो पहला वाला बैच, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर है ईस्टर्न फ्रीवे, ठीक है ना। और इसी को लग के जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का फ्लाईओवर, और वो एक राइट साइड में जो एक फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये दो फ्लाईओवर, ये MTHL प्रोजेक्ट का फ्लाईओवर है, ठीक है ना। तो ये जो दो आर्म है, ये दो आर्म ईस्टर्न फ्रीवे के लिए है, जो कि ईस्टर्न फ्रीवे से जो ट्रैफिक आएगी वो इस आर्म को लेकर चली जाएगी MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड लेके टुवर्ड्स वाशी की तरफ, ठीक है, ये आप समझ गए। और ये जो राइट साइड में है, राइट साइड वाला भी इसी के लिए है, क्योंकि अगर राइट साइड से जो ट्रैफिक आएगी, जो साउथ बॉम्बे से ट्रैफिक आएगी, वो इस साउथ बॉम्बे का ट्रैफिक को इस ब्रिज को लेकर, जो आप सामने में देखोगे आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि एक फ्लाईओवर है, वो एक फ्लाईओवर जो है वो इसके ऊपर से जाने वाला है, क्रॉस होने वाला है उस फ्लाईओवर को जो आप राइट साइड में अभी देख रहे हो, ठीक है ना। ये उसको जाके टच होगा ताकि साउथ बॉम्बे की जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक इस फ्लाईओवर को लेकर बढ़ जाए टुवर्ड्स MTHL को, वाइस वर्सा जो कि ट्रैफिक आएगी वाशी से वो भी वहाँ से उसी ब्रिज को लेकर टुवर्ड्स बढ़ जाएगी आपका साउथ बॉम्बे की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कितना काम हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट हैंड आंखों देखी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो आर्म मैंने आपको पहले बताया, ये आर्म ऐसे जाके ये कनेक्ट हो जाएगा MTHL को, ठीक है। और ऊपर में भी आपको एक दिख रहा है, वो जो ऊपर वाला जो दिख रहा है वो ऊपर वाला जा रहा है सीधा आगे, आगे आपको दिख रहा है वो वहाँ पर जाके स्टील गर्डर्स का वहाँ पर जो है स्पान लगाया जाएगा और वो लग जाएगा टूवर्ड्स इस पिलर्स को, जो राइट साइड में आपको पिलर दिख रहा है, ठीक है। ये जो सामने में आपको पिलर दिख रहा है, यही पिलर जो है ये ईस्टर्न फ्रीवे को क्रॉस होके जुड़ जाएगा उस राइट साइड वाले फ्लाईओवर को, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड वाला आप देख रहे हो, जितना भी यहाँ पे स्कैफोल्डिंग्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी फ्लाईओवर बनने का काम जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। और ये भी लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कितना काम हुआ है। तो ये आप सामने में देख सकते हो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट ऑफिस का जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो स्कैफोल्डिंग्स आप देख रहे हो यहाँ पर, बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पर काम चल रहा है। वो जो टॉप में जो फ्लाईओवर है, मैं उसी फ्लाईओवर की बात कर रहा था, वही जो है वो फ्लाईओवर जाके ऊपर में ईस्टर्न फ्रीवे को क्रॉस होके चले जाएगा उस तरफ वाले फ्लाईओवर को, जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, ठीक है ना। तो ये आंखों देखिए आप लोगों के सामने में है प्रोजेक्ट, और ये मुझे क्यों पाँव पाँव कर रहा है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इतना काम यहाँ पर चल रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं अंदर कुछ दिखता है क्या अपने को। तो राइट साइड में ये जो मशीनरीज लगी हुई है, ये मशीनरी जो है यही काम आती है डेक में स्लैब लगाने के लिए, प्लस गर्डर्स वर्डर्स फिट करने के लिए यही काम आता है। और ये जो अभी हम सामने बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे है इनका साइड ऑफिस, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे गेट नंबर 1 लिखा हुआ है। हम लोग थे उस तरफ, अभी हम लोग वहाँ से बढ़कर इस तरफ आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 फ्लाईओवर तो आपको सामने में नज़र आ रहा है, और 2 फ्लाईओवर जो है वो उस तरफ है, जो 2 फ्लाईओवर जाके शिवडी कनेक्टर को कनेक्ट होगा, ठीक है ना। सामने में सूरज आ रहा होगा आई थिंक सो, तो आप लोगों को बराबर से दिखेगा नहीं। तो यही कुछ यहाँ का नज़ारा है, यहाँ पे इतना काम जो है वो चल रहा है। और ये है इनका प्रोजेक्ट साइड ऑफिस, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से जो फ्लाईओवर है इसका काम जो है इतना हुआ है। और आगे में अभी हम जाएंगे यहाँ से शिवडी, यहाँ पर एक दरगाह है उस दरगाह की तरफ, शिवडी फोर्ट जिसे कहते हैं, शिवडी फोर्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सी में इसका कितना काम हुआ है। मुंबई में जहाँ पे ये ब्रिज जो है वो एंड होगा, अगर वहाँ का मुझे कवर करना है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना,
कमेंट में, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वो साइड का भी कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी आप लोगों को बताता चलूं कि MTHL का जो यहाँ पे ये जो मेन ब्रिज आप सामने में देख रहे हो, ये दो रैंप है जो ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे में जाने वाला है MBPT रोड को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे टोटल में 8 मेन ब्रिज का जो रैंप है वो बनने वाला है। 4 रैंप जो होगा वो होगा एग्जिस्टिंग ईस्टर्न फ्रीवे जो है उसको कनेक्ट करेगा, जो कि आप राइट और लेफ्ट साइड में देख सकते हो। और जो 2 रैंप होगा अलग से, वो 2 रैंप होगा शिवडी वर्ली एलिवेटेड ब्रिज को कनेक्ट करेगा MTHL और शिवडी वर्ली कनेक्टर को, जो कि जाएगा आगे और कनेक्ट हो जाएगा कोस्टल रोड और पेंड्रा वर्ली सीलिंग के लिए। तो ये जो आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में देख रहे हो काम, ये काम उसी रैंप का चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा इंटरचेंज जैसा बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लास्ट 20 फरवरी को यहाँ पे MMRDA ने, जो कि आप ऊपर देखोगे लेफ्ट साइड में, मैं आप लोगों के सामने फोटो शेयर करूंगा, वहां पे जो है 5 गर्डर्स जो है स्टील का वो लगने वाला है। तो इन्होंने उसमें से एक गर्डर जो है उसको फिट कर दिया है। उसकी जो स्पान की जो विड्थ है वो है 40 मीटर की, और उसका जो वजन है वो है 130 मेट्रिक टन। जो आप पिक्चर में देख रहे हो, मैं इसी स्पान की बात कर रहा हूँ। देख लो पूरा यहाँ पे काम हो चुका है शिवडी एंड तक, ठीक है ना। यहाँ पे राइट साइड में भी आप देख लो, यहाँ पे भी काम जो है वो हो चुका है। इसको भी जो है राइट साइड वाले को इससे ईस्टर्न फ्रीवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये जाके ख़त्म होता है शिवडी फाटक के पास में। अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे थोड़ा, और मैं आप लोगों को समुंदर से थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ कि समुंदर में से कैसे दिखता है ये, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों को सी से मैं नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है सी से आप लोगों को नज़ारा, सी साइड में कितना काम हुआ है देख सकते हो। गाड़ियों का आना जाना जो है वहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना काम हुआ है। यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा काम मुझे दिख रहा है एक साइड का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम ऑलमोस्ट हो गया है। वहाँ दूर तक भी आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ऐसे पिलर कैप डेक, पूरा रोड जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, ठीक है। और नीचे से भी बसेस जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, जो कि इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो फ्लाईओवर छोटा सा जो बनाया गया था, तो उसके ज़रिए से ये जो बड़ा फ्लाईओवर है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये आप इसके साथ साथ में आपको एकदम एंड तक भी ये दिखेगा, मैं आपको मार्किंग करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो बसें जा रही हैं यहाँ से, तो ये वाला जो स्ट्रेच होने वाला है ये होगा ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स का, फ्रॉम शिवडी टू चिरले शिवाजी नगर इन नवी मुंबई। तो आज का वीडियो ये कुछ था। ये आप देख सकते हो हैवी मशीनरीज यहाँ से जा रही हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आज यहाँ का MTHL प्रोजेक्ट का आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को अगला हिस्सा जो है नवी मुंबई साइड का देखना है, तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूं। तो इसी नज़ारे के साथ में मैं आप लोगों को छोड़े जाता हूं। खुश रहें, आबाद रहें, और जो चाहे वो करते रहें।